और ये हम इस इलाके का नाम है थैसा और यहाँ का ये सेंटर है जो कि हर इलाके में इस तरह का एक सेंटर होता है जहाँ पे कपड़े धोने की जगह है और ये फ्लैट्स हैं और ये सेंटर है जहाँ पे दुकानें वगैरह होती हैं शॉपिंग की सब एक जगह होती हैं और रेजिडेंशियल एरिया जो है वो कमर्शियल नहीं होता है। तो इस वक्त थैसा सेंटर है देख सकते हैं आप पूरा इलाका और हमारे इस तरफ ये बर्फ़ है। ये रात में पड़ी है सब और ये इलाका ज़्यादातर फॉरनर का इलाका है और यहाँ पे ये गवर्नमेंट का ऑफिस है जो कि ये हॉस्पिटल है लेकिन ये छोटा हॉस्पिटल है जो कि डिस्पेंसरी टाइप का वार्ड सेंट्रल कहते हैं। और ये एक शॉप है ये थैसा का सेंटर है यहाँ ज़्यादातर फॉरनर रहते हैं तो आपको नज़र भी आ रहे हैं और कॉस्मेटिक शॉप है और ये दुकान है शॉप है मात वर्ल्ड देखें दुकानें हैं जो कि बाहर इन्होंने जो चीज़ें सेल में होती हैं वो लगाई हुई हैं जैसे कि ये 109 क्राउन केजी जो है और ये ग्रिल चिकन है और ये आप प्राइसेस देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ों की जो है ये देखें स्पेनिश क्या कहते हैं स्पेनिश खीरा है ये दो हैं 15 क्राउन के 15 क्राउन का मतलब है 300 रुपये आजकल के दौर में। खैर अब हम इस तरफ आए हैं ये जो अंडरग्राउंड स्टेशन है आपके सामने जो बिल्ड नज़र आ रहा है अंदर ये है और एक साथ साथ अब जा रहे हैं और हमारे लेफ्ट साइड पे टैक्सी की पार्किंग है और वैसे पार्किंग है और ये थैसा सेंटर का इलाका है और इसके बाद हम आगे जाएंगे तो रेजिडेंशियल एरिया है और ये आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है थैसा सेंट्रम लिखा हुआ आ रहा है। इस इलाके में ज़्यादातर फॉरेनर रहते हैं और जहाँ फॉरेनर रहते हैं वहाँ आपको लाइफ नज़र आती है यानी लोग बाहर नज़र आ जाते हैं लेकिन जो इलाके इनके अपने हैं यानी इलाके क्या हर इलाके में रह सकते हैं लेकिन ये कि पाकिस्तानी इंडियन या फॉरेनर उनका एक तरीक़ा है रहने का कि वो सिमट के सब करीब करीब रहते हैं जैसे रिश्तेदार हैं रिलेटिव हैं कज़न हैं सब कोशिश करते हैं एक इलाके में रहें ताकि मिलना जुलना रहे तो इस वजह से वो एक इलाके में जमा होते होते बड़े बड़े इलाके बन जाते हैं। इस वजह से इलाके में भी पाकिस्तानी हैं फॉरनर अफ्रीकन हैं पाकिस्तानी हैं बांग्लादेशी हैं अरबी हैं यानी फॉरनर यानी इस मुल्क के क्या कह सकते हैं इस मुल्क में जो आए हुए हैं जो इस मुल्क पर रह रहे हैं फॉरनर जो कि इस मुल्क के नहीं हैं दूसरे मुल्कों के लोग वो यहाँ रह रहे हैं और इस वजह से वो यूरोप हो या अमेरिका हो दुनिया के हर मुल्क में अपने अपने अलग इलाके बना लेते हैं और वहाँ पे मिल के रहते हैं। उनकी अपनी दुकानें होती हैं जिनमें उनके अपने मुल्क का सामान मिलता है। कुछ साल पहले तक गार्लिक जिंजर रेड चिली ये चीज़ें जो हैं आज से 30 साल पहले जो है इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी और ना ही आती थी लोग कहीं ना कहीं मिल जाती थी लेकिन अब हर जगह मिलती हैं क्योंकि गार्लिक के जैसे जैसे फ़वाद पता लगे हैं
सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। ओनियन नहीं खाते थे, ओनियन खाना शुरू कर दिया है। ये है गार्लिक, अपनी स्मेल की वजह से नहीं बिकती थी ज़्यादा यूरोप अमेरिका में, लेकिन अब हर चीज़ मिलने लगी है, तो इस वजह से सारे इलाके। और देखें रात को पड़ी है बर्फ, और हम इस तरफ जा रहे हैं। चलें अगली वीडियो तक के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नीचे जो लाल रंग का अगर आपके पास सब्सक्राइब लिखा होगा तो उसको कर लें, ताकि आप अगली वीडियो देख सकें। और इसी तरह हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। ये स्कूल है की बिल्डिंग है, और ये जो रेजिडेंशियल एरिया है, हर इलाके में यहाँ पे बने हुए हैं, और उसमें एक स्कूल होता है, एक जो छोटा स्कूल होता है, एक बड़ा स्कूल होता है, एक नर्सरी होती है यानी बेबी डे केयर सेंटर होता है, और हॉस्पिटल होता है, हर चीज़ एक ही इलाके में होती हैं। यानी हर इलाका जो है वो ऐसे बनाया हुआ है जैसे एक कंट्री में सब चीज़ें होती हैं, इसी तरह यहाँ पे इलाके छोटे छोटे बनाए हुए हैं। तो खैर, मैं हूँ नजम अलवी, यू आर वॉचिंग माई व्लॉग चैनल, और स्टॉकहोम स्वीडन से। बाय बाय।